हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी का फिर से एक बार इस रेनबो मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग इंटरव्यू में पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो चलिए, आप थोड़ा जल्दी से एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ में घंटी को दबाना ना भूले। तो आइए अब लोग हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे टूल्स। क्या पढ़ेंगे? टूल्स। टूल्स क्या होता है? टूल्स कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, टूल्स जो होता है दो प्रकार के, एक होता है हैंड टूल्स और दूसरा होता है पावर टूल्स, ठीक ना? अब हैंड टूल्स किसे कहते हैं, पावर टूल्स किसे कहते हैं, तो इसके बारे में देखिए। तो ये जो होता है हमारा हैंड टूल्स, ये क्या है हमारा हैंड टूल्स। हैंड टूल्स किसे कहते हैं? तो वैसा टूल्स जिसे चलाने पर हाथ का बल उपयोग होता है, उसे क्या बोलते हैं? हैंड टूल्स। जैसे हैमर हो गया आपका, हैमर हो गया, चीजल हो गया, हैक्सा हो गया, ये सारे क्या हैं? हाथ से, मतलब जो टूल्स हाथ के द्वारा उपयोग, उसे हैंड टूल्स कहते हैं। पावर टूल्स किसे कहते हैं? वैसा टूल्स जिसे चलाने पर हाथ के अलावा अन्य बल का उपयोग होता है, उसे कहते हैं पावर टूल्स। जैसे मैं ड्रिल मशीन, ग्राइंडर हो गया, या और सारे इत्यादि कर क्या हो जाएगा? पावर टूल्स। और कुछ टूल्स के बारे में जानेंगे, जैसे वर्किंग टूल्स क्या होता है। तो वर्किंग टूल्स होता है प्लायर हो गया आपका, स्क्रू ड्राइवर हो गया, हेक्सा फ्रेम विद ब्लेड हो गया, चीजल हो गया, हैमर हो गया, मैलेट हो गया, रिंच हो गया, एलन की हो गया, ये सब क्या है? वर्किंग टूल्स, ठीक ना? और इन सभी के बारे में हम जानेंगे, साइज कितना होता है, इसका यूज कहाँ किया जाता है, इस सारे चीज़ के बारे में हम लोग अभी देखने वाले हैं, ठीक ना? तो आइए इसके बाद हम लोग, हाँ, ये जो स्पेनर जो होता है, स्पेनर की बात करें तो देखिए, स्पेनर जो होता है हमारा, ये आपका डबल इंडेड में आता है, सिंगल इंडेड में। डबल इंडेड का मतलब ऐसे रहता है, ऐसे दोनों तरफ रहता है, ठीक ना? और सिंगल इंडेड में केवल एक तरफ रहता है, और एक रिंग रिंग स्पेनर आता है, इसमें भी सिंगल डबल आता है। एक बार ट्यूबलर स्पेनर आता है, उसके बाद बॉक्स स्पेनर आता है, जिसमें एक ही स्पेनर रहता है, अलग अलग उसके साइज का इसमें दिया रहता है, ठीक ना? अगला जो है इसमें आपका, ये है मार्किंग टूल्स। मार्किंग टूल्स में क्या करते हैं, जिससे मार्किंग करते हैं, केवल हम मार्किंग करते हैं। जैसे वाटर लेवल हो गया, क्या काम करता है, स्पिरिट लेवल हो गया, ब्लू पाउडर हो गया, लाइन थ्रेड हो गया, सेंटर पंच हो गया, स्क्राइबर, ये सारे टूल्स क्या हैं आपके? तो मार्किंग टूल्स हैं, इससे आप केवल मार्किंग कर सकते हैं। अभी किसका कहाँ पर मार्किंग किया जाता है, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे, ठीक है? इसके बाद आपका आ जाएगा कि इसके बाद आपका आ गया ये मेजरिंग टूल्स। मेजरिंग टूल्स क्या क्या होते हैं, उसमें आपको बता दें हम, स्टील रूल, मेजरिंग टेप, वर्नियर क्लिपर, SWG, वायर गेज, माइक्रोमीटर। उसके बाद आपका आ जाएगा ये टेस्टिंग टूल्स कौन से होते हैं। तो टेस्टिंग टूल्स में आपका ये आ जाएगा एमीटर, वोल्ट मीटर, एनर्जी मीटर, वाट मीटर, लक्स मीटर, मेगर, मल्टीमीटर, कंटिन्यूटी टेस्ट लैम्प, क्लैंप मीटर, और भी सारे हैं इसमें, टोंग टेस्टर, क्लैंप मीटर का दूसरा, ये क्या काम करता है, इसका क्या करता है, इस सारे चीज़ के बारे में हम लोग। तो देखिए, पहला क्वेश्चन से है इसमें, हथौड़े को किस में मापते हैं, ठीक है? हथौड़े को किस में मापते हैं? तो केजी या ग्राम में मापते हैं। इलेक्ट्रीशियन के लिए कितने ग्राम के हथौड़े होने चाहिए? तो कितने ग्राम की? तो 400 ग्राम का हथौड़ा आना चाहिए। कौन सा हथौड़ा चाहिए? तो बॉल पिन हैमर चाहिए, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, कितने प्रकार का होता है? तो हैमर आपको मतलब कार्य के आधार पर अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिशियन के लिए हमें कौन सा हैमर चाहिए? बॉल पिन हैमर। लेकिन यहाँ बॉल पिन हैमर, पिन के आधार पर हैमर जो होते हैं 4 प्रकार के, बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, स्ट्रेट हैमर, क्लॉ हैमर, और एक एसलेस हैमर होता है, ब्रिक हैमर होता है, बहुत सारे अलग अलग हैमर होता है, किसका कहाँ यूज होता है, मैलेट होता है, मतलब कार्य के आधार पर अलग अलग हैमर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंडक्टर, देखिए आगे आपके यहाँ पे क्वेश्चन एक कि कंडक्टर या टीन के चादर को सीधा करने के लिए कौन सा हैमर का उपयोग होता है? तो आगे आपका मैलेट होता है, एक पीवीसी का भी होता है। तो पीवीसी का जैसे बाइंडिंग वाइंडिंग जो होता है, फिटिंग फैन करते हैं, उसमें हम उसको यूज़ करते हैं, हैमलेट का भी करते हैं, ठीक ना?
और इसके बाद आपका ये है कि मैलेट जो होता है, आपके मैलेट कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बता दिए कि दो प्रकार के होते हैं, एक पीवीसी होता है, एक वुडन होता है। और हेक्सा हेक्सा के साइज कितने एमएम की, हेक्सा दो साइज में आता है, एक 150 mm, एक 300 mm। 300 mm 12 mm का ब्लेड लगता है और 150 mm में 6 mm का ब्लेड लगता है। अगला क्वेश्चन है कि कॉम्बिनेशन प्लायर की साइज जो होती है कितनी होती है, तो 150 या 200 mm होती है। वायर का इंसुलेशन हटाने के लिए कौन सा टूल्स का उपयोग होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो वायर स्टिपर का यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सेंटर पंच की साइज कितनी होती है, तो 150 mm होता है। सेंटर पंच का काम क्या होता है, तो ये मार्किंग करने के लिए यूज किया जाता है। मेटल के ऊपर निशान लगाने के लिए कौन सा टूल्स का उपयोग किया जाता है, तो सेंटर पंच किया या स्क्राइबर का, मतलब हम लोग यूज करते हैं, चूंकि लोहा पे यही दोनों टूल्स का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है नोच प्लायर की साइज क्या होती है, तो नोच प्लायर की साइज जो होती है 150 mm, इसका काम क्या होता है, तो तार को ऐंठने में किया जाता है इसको। ठीक है, अगला है कॉम्बिनेशन प्लायर की साइज इंच में कितनी होती है, तो 8 इंच होती है। आपको इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और एमएम में बात करें तो 200 mm का होता है, कितना होता है, 200 mm इसका साइज होता है। अगला क्वेश्चन है वायर कटिंग करने के लिए कौन सा प्लायर का यूज करते हैं, इसका साइज कितना होता है, तो 150 mm तक होता है। फाइल कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में अगले हम वीडियो में इसके जानेंगे। फाइल की साइज जो कितनी होती है, कि फाइल की साइज जो होती है किस पर निर्भर करती है, तो फाइल की साइज जो करती है लंबाई चौड़ाई और उसके मोटाई पर निर्भर करती है। लेवल चेक करने के लिए कौन सा टूल्स का, लेवल चेक करने के लिए कौन सा टूल्स का यूज करते हैं, तो वाटर लेवल ट्यूब या स्प्रिट लेवल का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, स्प्रिट आप लोग देखे होंगे कि स्प्रिट लेवल कैसे होता है, तो ये होता है आपको, मतलब छोटा सा 1 फीट में आता है, 3 फीट तक आता है। वाटर लेवल तो आप लोग जानते ही हैं। और हॉरिजेंटल स्थिति में, हॉरिजेंटल स्थिति में किससे लेवल चेक करते हैं, हॉरिजेंटल स्थिति में किससे मापते हैं, तो हॉरिजेंटल स्थिति में हम स्प्रिट लेवल से मापते हैं। वर्टिकल स्थिति में किससे मापते हैं, तो प्लम्ब बम, जिसको हम लोग साहुल भी बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं प्लम्ब बम। ठीक है, जो वर्टिकल स्थिति में हम लोग मापते हैं। वायरिंग के लिए स्टील वायर की साइज कितनी होनी चाहिए, तो 3 mm होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्केल कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के, एक होता है पीवीसी होता है, दूसरा होता है वुडन स्कूल, और तीसरा आता है स्टील, यानी 3 प्रकार के होते हैं। ये भी 12 mm और दो आता है अलग अलग, मतलब 12 सेंटीमीटर आता है, 30 सेंटीमीटर आता है, इसका भी साइज अलग अलग है। अगला क्वेश्चन है आपका कि लाइन टेस्टर क्या चेक करते हैं, तो फेज को चेक करते हैं। वायर की कंटिन्यूटी किससे चेक करते हैं, कंटिन्यूटी टेस्टर से चेक करते हैं। न्यूट्रल एवं फेज किससे चेक करते हैं, तो देखिए न्यूट्रल एवं फेज हम स्क्रू ड्राइवर विथ लाइन टेस्टर से करते हैं। एक उसमें देखिए ये कैसे होता है, तो एक स्क्रू ड्राइवर ये होता है, और स्क्रू ड्राइवर हो गया, और इससे पीछे एक क्या बोलते हैं, स्क्रू ड्राइवर विथ लाइन टेस्टर, और इसमें एक लाइन टेस्टर होता है, जो कि हम लोग दोनों को मिलाकर साथ में लगाते हैं, तो ये फेज और न्यूट्रल दोनों बता देता है। अगला क्वेश्चन कि केबल और मोटर की इंसुलेशन किससे चेक करते हैं, तो मेगर से करते हैं। मेगर से करते हैं, मेगर को किस में मापते हैं, तो मेगा ओम में मापते हैं। एक मेगा ओम बराबर कितना होता है, तो 10^6 ओम होता है। 1 किलो ओम बराबर कितना होता है, 10^3 ओम होता है। अर्थ रेजिस्टेंस किससे मापते हैं, तो अर्थ रेजिस्टेंस हम अर्थ टेस्टर से मापते हैं। ठीक ना, क्लैम मीटर का दूसरा नाम क्या है, तो टोंग टेस्टर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में। तो देखिए आप लोग घबराना नहीं है, मैं ऐसा करके आपको अलग अलग पार्ट करके बहुत सारे क्वेश्चन लाने वाला हूँ, जो कि आपके इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा चलती हुई लाइन का करंट किससे मापते हैं, तो क्लैम्प टेस्टर या टोंग टेस्टर से मापा जाता है। मोटर की दिशा एवं फेजों की पहचान किससे करते हैं, तो फेज इंडिकेटर से किया जाता है। ये फेज इंडिकेटर का काम क्या है, तो ये बताता है कि मोटर क्लॉकवाइज चल रही है या एंटी क्लॉकवाइज चल रही है। प्रकाश का यूनिट क्या होता है, तो प्रकाश का यूनिट लक्स होता है। प्रकाश को किस में मापते हैं, किससे मापते हैं, तो लक्स मीटर से मापते हैं। ठीक ना, अगला क्वेश्चन है हमारा कि बिजली की खपत को किससे मापते हैं, तो KWH में मापते हैं। बिजली की खपत को किस में मापते हैं,
बिजली खपत को किसमें मापते हैं, तो किससे मापते हैं, तो ये किसमें मापते हैं, किससे मापते हैं, तो एनर्जी मीटर से मापा जाता है। पावर की यूनिट क्या होती है, तो पावर की यूनिट वाट होती है। पावर को किससे मापते हैं, तो वाट मीटर से मापा जाता है। वोल्टेज की यूनिट क्या होती है, तो वोल्टेज की यूनिट वोल्ट होती है। वोल्टेज को किससे मापते हैं, तो वोल्ट मीटर से मापते हैं, ठीक ना। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, तो हर्ट्ज होती है। फ्रीक्वेंसी को किससे मापते हैं, तो फ्रीक्वेंसी मीटर से मापते हैं, ठीक है। अगला इतना ये सारे भी क्वेश्चन हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं टूल्स के लिए। आपको ये इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमें उम्मीद हो कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो एक बार जोरदार लाइक शेयर एवं कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।